फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज ऐप पर। आज हम बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज में, ये हमारा दूसरा वीडियो है। फरवरी का करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि बिहार से रिलेटेड है उसको कवर करेंगे आज के वीडियो में। जनवरी का मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। जनवरी 2020 बिहार करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। जनवरी से अब तक का हम करंट अफेयर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी मंथ अभी तक निकल चुके हैं उन सबको कवर किया जाएगा एक एक करके। फाइन, आपके बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए बिहार का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। इंटरव्यू में तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो सॉरी प्रिलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो वहां तो ये डायरेक्ट रिलेट करता है, बट मेंस में आप को अपने आंसर राइटिंग में मदद करता है। आपके पास अगर करंट का स्टफ होता है बिहार से रिलेटेड तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप वो सब ऐप ऐड करते हो तो राइट। इंटरव्यू में भी कभी कभी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं बिहार की करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसीलिए इसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फरवरी मंथ में क्या क्या घटनाएं बिहार में हुई। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो न्यूज है या फिर जो करंट अफेयर है वो ये है, बिहार बिकम द फोर्थ स्टेट इन द कंट्री टू हैव द बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बिहार चौथा ऐसा राज्य बना पूरे देश में जिसके पास बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा। ठीक है, बिहार इज सेट टू बिकम नॉर्थ इंडियाज। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर आप अपने नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो वहां आपका जो बिहार है वो पहला है जिसके पास बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा। ठीक है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या होता है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, बर्ड रिंगिंग स्टेशन का मतलब ये है, देखिए बिहार में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं जहां पर ढेर सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आती हैं प्रवास के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में मॉनिटर करना, उनके ऊपर रिसर्च करना, ऑब्जर्विंग करना किस साल कौन सी बर्ड्स आती हैं, ठीक है उनके माइग्रेशन पैटर्न को देखना, तो ये सारी चीजें रिंगिंग स्टेशन में की जाती हैं। जो अदर तीन स्टेशन है जहां पे बर्ड रिंगिंग स्टेशन है भारत में, वो तमिलनाडु है, राजस्थान है और उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद बिहार चौथा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में भी आप जहां सुटेबल होगा वहां आप इसे ऐड कर सकते हो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट, और ये जो रिंगिंग स्टेशन है ये भागलपुर में सेटअप किया जाएगा दायरा रीजन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विद एन एम टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, जैसा कि हमें पता है बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ट्रीज को प्लांट करने के लिए, एक हैबिट कल्टीवेट करने के लिए एक ड्राइव चलाई गई बिहार सरकार द्वारा 14 फेब को, 14 फेब 2020 को प्यार का पौधा, अ प्लांट ऑफ लव नाम से एक ड्राइव चलाई गई जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, जिसमें जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको एक पौधा गिफ्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगली जो न्यूज है वो बिहार पुलिस गेट्स द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल विमेन बटालियन। देखिए, बिहार जो पुलिस है वो कंट्री की पहली ऐसी पुलिस बनेगी जिसके पास अपनी ट्राइबल विमेन बटालियन होगी, जनजातीय महिला बटालियन। बटालियन इज नेम्ड बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। इसका जो नाम रखा गया है वो बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी रखा गया है। विद द स्ट्रेंथ ऑफ 765 कॉन्स्टेबल है इसमें टोटल, और जो मेन ट्राइब है वो है थारू ट्राइब। जो थारू ट्राइब से ज्यादातर जो महिलाएं हैं जो विमेन बटालियन में फर्स्ट ट्राइबल विमेन बटालियन में शामिल हुई हैं, वो ज्यादातर महिलाएं थारू ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसकी पुलिस में ट्राइबल विमेन बटालियन भी होगी, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आईटीसी ग्रुप की बात करें तो आईटीसी ग्रुप ने 1200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की बात की है मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, बिहार में। राइट, उसके अलावा कोका कोला कंपनी ने भी उन्नत लीची प्रोग्राम लॉन्च किया है बिहार में टू हेल्प द फार्मर्स। कंपनी 1.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी
इनिशियल फेज में ये जो प्रोग्राम है वो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं ये मेजर हब हैं लीची कल्टीवेशन के, या सबसे ज्यादा लीची उत्पादन होता है इन तीन जिलों में, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली। इसलिए सबसे पहले यहाँ लॉन्च किया जा रहा है उन्नत लीची प्रोग्राम को, उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। मेनली ये फार्मर्स की हेल्प के लिए है, ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जा सकें। जो बिहार की लीची है उसे ना सिर्फ भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस कराया जा सके। फाइन, उसके बाद है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। देखिए, फेसबुक ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 11 फरवरी 2020 को, राइट, टू इंक्रीज द डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल जो साक्षरता है उसको बढ़ाने के लिए। फेसबुक 1 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस द 7 स्टेट, 7 राज्यों में फेसबुक 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा डिजिटल साक्षरता पर, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम और झारखंड आते हैं। इट एम्स टू ओवरकम द जेंडर इम्बैलेंस ऑन द इंटरनेट। देखिए, हमने ज्यादातर देखा है कि इंटरनेट का उपयोग ज्यादातर पुरुष करते हैं या फिर लड़के करते हैं, महिलाओं तक उनकी रीच कम है, महिलाओं तक इंटरनेट अभी नहीं उतना पहुंच पाया जितना पुरुषों तक पहुंच पाया है। तो इस जेंडर गैप को कम करने के लिए फेसबुक के द्वारा चलाई जा रही है पहल है, तो इसमें बिहार भी है, बिहार राज्य को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बिहार में भी डिजिटल लिटरेसी अभी बहुत कम है, राइट। उसके अलावा जदयू वाल्मीकि नगर एमपी, वैद्यनाथ प्रसाद महतो, वैद्यनाथ प्रसाद महतो जी का देहांत हो गया 28 फरवरी को। ही वॉज अ डिप्टी लीडर ऑफ द जनता दल यूनाइटेड इन द करंट लोकसभा। करंट लोकसभा में ये डिप्टी लीडर थे जनता दल यूनाइटेड के, राइट। इनका निधन हो गया 28 फरवरी को, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट मुजफ्फरपुर में मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट लगवाई जा रही है बिहार में, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च द डिजीज ऑफ द रूरल एरियाज। देखिए, ग्रामीण इलाकों में फैलने वाली बीमारियां अलग होती हैं, ठीक है, अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वहाँ बीमारियां फैलती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो उस पर रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट एस्टेब्लिश की जा रही है मुजफ्फरपुर बिहार में, ओके। उसके अलावा पुलिस दीदी मोबाइल ऐप, पुलिस दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया बिहार सरकार द्वारा, टू इंश्योर द वेमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए पुलिस दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया बिहार में। बिहार के जो डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, लॉन्च वेमेन सेफ्टी ऐप ऑन 27 फरवरी को लॉन्च ऐप किया गया, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वेमेन। इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप, पहला ऐसा ऐप होगा ये स्टेट में जो महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करेगा। एक पैनिक बटन होगा, देखिए जितने भी एंड्रॉयड फोन हैं उनमें एक पैनिक बटन होगा, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होंगे वहां पे पता लग जाएगा कि इमरजेंसी में है कोई लड़की या वेमेन, तुरंत वहां हेल्प मिलेगी, ओके। उसके अलावा बिहार बिकम द फर्स्ट एनडीए स्टेट। देखिए, बिहार पहला ऐसा एनडीए नेशनल, ये जो आपका बीजेपी वाला राज्य है, जो जिसने एनआरसी के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया था फरवरी में ही, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, बीजेपी शासित राज्य है। बिहार बिकम द फर्स्ट एनडीए स्टेट टू अडॉप्ट द रिजोल्यूशन अगेंस्ट द एनआरसी एंड टू इम्प्लीमेंट द एनपीआर। 25 फरवरी 2020 को एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया गया बिहार की स्टेट असेंबली में अगेंस्ट एनआरसी। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी को बिहार में नहीं लागू होने देंगे, एंड ऑल्सो पास द रिजोल्यूशन, और एक और रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें एनपीआर को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई अकॉर्डिंग टू द 2010 फॉर्मेट, राइट। उसके अलावा ऑन 26 फरवरी 2020, 26 फरवरी 2020 को एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एंड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइन किया एक एमओयू,
राइट टू सेट अप एयर क्वालिटी स्टेशन इन 6 स्टेट्स एंड 3 यूटी. भारत के 3 स्टेट्स और 6 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में एयर क्वालिटी स्टेशन लगवाने के लिए NTPC और CPCB ने एक करार साइन किया है. ठीक है, 80 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट NTCP इसमें करेगी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द 25 CAQMS कंटिन्यूअस एम्बियट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अक्रॉस द 6 स्टेट्स. कौन कौन से स्टेट्स हैं? MP, UP, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर एयर क्वालिटी स्टेशन सेटअप किए जाएंगे. ओके, उसके बाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. देखिए फ्रेंड्स, आपने कैट के बारे में तो सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में सुना होगा. उसी के तर्ज पर बिहार कैबिनेट ने ऑन सैटरडे अप्रूव्ड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रपोजल. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रपोजल आया था टू सेटअप अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसमें बेट बनवाया जा रहा है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. कैट के ही तर्ज पर बेट बनाया जा रहा है बिहार में टू लिसन द ग्रीवांसेस, जो भी शिकायत होंगी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पर्टेनिंग टू देयर सर्विस कंडीशंस. उनको अपनी सर्विस कंडीशन से जो भी ग्रीवांसेस होंगी, जो भी शिकायतें होंगी, वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को वहां दर्ज करा सकते हैं. बिहार महोत्सव, उसके बाद बारी आती है बिहार महोत्सव. बिहार महोत्सव वो सेलिब्रेटेड इन अहमदाबाद. अहमदाबाद में सेलिब्रेट किया गया बिहार महोत्सव फ्रॉम 28 फरवरी टू 1 मार्च. ठीक है, इट वॉज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार. इसमें बिहार के रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया गया. वेरियस आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट जो बिहार के थे, उन्होंने 3 डे फेस्ट में पार्टिसिपेट किया. शारदा सिन्हा जी भी गई थी, पवन सिंह गए थे. तो कई सारे जो फोक आर्टिस्ट हैं बिहार के, उन सबों ने पार्टिसिपेट किया. अहमदाबाद में हुआ था बिहार महोत्सव, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है. उसके अलावा डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, 5 डे का डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो रखा गया, जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड द स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था. इसका मोटिव ये था कि बताना, टू शो दैट बिहार इज एन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड. बिहार औद्योगिक और आर्थिक रूप से डेवलप्ड स्टेट है और इसके पास न्यूमरस रिसोर्सेज है, एज वेल एज आधारभूत ढांचा भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है फॉर किक स्टार्टिंग एनी बिजनेस. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिहार के पास न्यूमरस रिसोर्सेज भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. ये दिखाने के लिए डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन किया गया था गांधी मैदान में. ओके, बिहार साइंस पैक्ट. बिहार ने NIMHANS के साथ एक करार साइन किया है टू फाइट द एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम. पिछले साल 150 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से. इसीलिए बिहार सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो बेंगलोर में है, उसके साथ एक पैक्ट साइन किया है. विल प्रोवाइड अ टेक्निकल सपोर्ट. आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा स्टेट को, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को, फॉर इन्हांसिंग सर्विलेंस फॉर AES एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए. सर्विलेंस वहाँ किया जाएगा, देखा जाएगा ये बीमारी कैसे फैली, क्या इसके मुख्य कारण थे, इसको इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, जिसने 150 से ज्यादा बच्चों को पिछले साल मार दिया था. ठीक है, तो उसके लिए बिहार सरकार ने करार पैक्ट साइन किया है NIMHANS के साथ. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस. उसके अलावा सेंटर गिव्स नोट फॉर एम्स एट दरभंगा. देखिए, ये दूसरा बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है. सेंटर ने इसके लिए इजाजत दे दी है. पहला जो एम्स है बिहार का, वो आपका पटना में है. द सेंटर इज फाइनली अप्रूव्ड द साइट फॉर सेंटर ने राज्य वो केंद्र सरकार ने फाइनली एक साइट अप्रूव कर ली है फॉर डेवलपिंग अनदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन द स्टेट एट दरभंगा. दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ही एम्स में बदला जाएगा, एम्स में तब्दील किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी, सारा जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेवलपिंग एम्स यूनिट एट दरभंगा. फाइन, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड एम है, सेकेंड एम्स है आपका बिहार में, पहला पटना में था. बिहार असेंबली यूनैनिमसली पास्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन 2021. बिहार ने यूनैनिमसली एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें डिमांड की है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए 2021
में जाति आधारित सेंसस करवाने के लिए नीतीश सरकार ने बात की है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि बिहार में कौन कौन सी जाति की कितनी कितनी पॉपुलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग उनको लाभ प्रोवाइड कराया जाए, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो बिहार दूसरा राज्य बना है जिसने ये डिमांड की है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए। पहला जो था वो 8 जनवरी को महाराष्ट्र असेंबली ने भी सेम रिजोल्यूशन पास किया था कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। बिहार का करंट अफेयर, फरवरी मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। इसके बाद मार्च अप्रैल एंड मई को कवर कराएंगे एज सून एज इट इज पॉसिबल, राइट? तो अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए, आपको हेल्प प्रोवाइड हम लोग कराते रहेंगे। जनवरी मंथ का अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे है। उसके अलावा आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको।